जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के मार्गदर्शन में आज स्थानीय कन्नौज पुलिस प्रशासन द्वारा थाना काटाफोड़ के काला पाठा गांव में भूमाफिया के कब्जे से भूमि मुक्त कराई गई। ग्राम काला फाटा के भूमाफिया देपाल सिंह, इकबाल सिंह और त्रिलोक सिंह के द्वारा लगभग 10 एकड़ भूमि गरीब आदिवासियों कमल कोरकू तथा गुलाबबाई कोरकू की जमीन अपने कब्जे में रखी गई थी, जिसे बुधवार पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत आधार पर गरीब आदिवासियों की अतिक्रमित भूमि भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई। भूमाफिया देपाल सिंह ने नेशनल हाईवे पर स्थित इस भूमि पर अवैध ढंग से ढाबा, गन्ने रस की दुकान व पान चाय की दुकान का धंधा कर अवैध ढंग से कमाई की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने कहा है कि भूमाफियाओं के विरुद्ध यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी तथा गुंडों व असामाजिक तत्वों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही लगातार की जाएगी। काला पाठा में गरीब आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियों से 10 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। थाना काटाफोड़ के कालापाठा क्षेत्र में देपाल सिंह, तिलोक सिंह आदि के द्वारा करीब 10 एकड़ की जमीन जो थी आदिवासियों की, वो विगत कई वर्षों से अपने कब्जे में कर ली गई थी। यहाँ ढाबा वहाँ बना लिया गया था, जो एसडीएम कोर्ट से और कमिश्नर कोर्ट से आदिवासी भाई को कब्जे में देने की बात आई थी, जिसका प्रतिवेदन नायब तहसीलदार के द्वारा हमें दिया गया था, जो आज पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा कालापाठा के इस मौके पर आकर और ये लगभग 10 एकड़ की जमीन हमने उन आदिवासी भाई बहनों के कब्जे में उनको हमने दिया है और पूरा जो अतिक्रमण था वो हमने तोड़ा है। और जो भी इस तरह से कोई भूमाफिया होगा जो गरीबों का जमीन अपने कब्जे में लेगा, इस तरह की कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे। और आज इस कार्रवाई में आज पूरा कन्नौज, काटाफोड़, बागली, हाट पिपल्या, कन्नौज के सारे थाना प्रभारी, तहसीलदार, एसडीएम मैडम, एसडीओपी मैडम और पुलिस लाइन का पूरा बल मौजूद था और इस तरह की कार्रवाई आगे जारी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।